नमस्कार, मैं प्रिया धड़ाधड़ती इस खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। इस दौरान 20,557 नए मामले सामने आए, जो कि मंगलवार की अपेक्षा 32.4% ज्यादा है और 40 संक्रमितों की जान भी गई है। यूपी में योगी सरकार के मंत्री दिनेश खत्री के इस्तीफे की चर्चाएं बुधवार सुबह से हो रही है। अब इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। दिनेश खत्री की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखी एक चिट्ठी सामने आई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि दलित होने की वजह से विभाग ने उनकी सुनवाई नहीं ली है और ना ही किसी बैठक की सूचना उन्हें दी जाती है। उन्होंने चिट्ठी में त्याग पत्र देने की भी बात कही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सांसदों ने महंगाई और कई जरूरी खाद्य वस्तुओं की जीएसटी के दायरे में लाए जाने के विरोध में बुधवार को संसद भवन में विरोध प्रदर्शन किया। सांसदों ने यह प्रदर्शन महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष किया। विरोध प्रदर्शन में शामिल सांसदों ने एक बैनर भी ले रखा था, जिस पर गैस सिलेंडर की तस्वीर थी और लिखा था, दाम बढ़ने से आम नागरिकों का जीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है, वो कैसे जीवन यापन करेंगे। यदि आप भी रोजाना फ्लाइट से ट्रैवल करने वाले यात्री हैं तो ये खुशखबरी आपके लिए है। स्पाइसजेट अपने ग्राहकों के लिए सबसे बड़ा तोहफा लेकर आया है। अब यात्रियों को फ्लाइट की कंफर्म टिकट पाने के लिए परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि स्पाइसजेट ने 26 नई घरेलू उड़ानें शुरू करने की घोषणा कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कॉमनवेल्थ गेम्स की टीम से बातचीत की, जिसमें खिलाड़ी, कोच, स्पोर्ट स्टाफ शामिल है। इस दौरान केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कॉमनवेल्थ गेम्स की टीम से बातचीत के दौरान कहा कि कैसे खेलना है, आप इसके एक्सपर्ट है। भारत ने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत रिकॉर्ड 200 करोड़ से भी अधिक वैक्सीन डोज लगाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इसमें कोरोना की सेकेंड और प्रिकॉशन डोज भी शामिल है। भारतीय रेलवे देश में आवागमन का सबसे प्रमुख पसंदीदा और सस्ता साधन है। हर रोज लाखों लोगों को भारतीय रेल उनके गंतव्य तक पहुंचाती है। यही कारण है कि रेल को भारत की जीवन रेखा भी कहा जाता है। रेलवे ने अब यात्रियों के रोजमर्रा काम आने वाली अधिकतर सेवाएं ऑनलाइन कर दी है, यानी ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं और ट्रेन का स्टेटस भी ऑनलाइन ही देख सकते हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण द्वारा 4 जुलाई को सर्विस चार्ज पर जारी गाइडलाइन पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। नई गाइडलाइन के तहत होटल और रेस्टोरेंट के लिए मनमानी तरीके से फूड बिल में सेवा शुल्क जोड़ने पर रोक लगा दी गई थी। दुनिया का सबसे बड़ा नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम प्रधानमंत्री के गृह प्रदेश गुजरात के अहमदाबाद में है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र काशी बनारस में भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनेगा, जिसमें करीब 345 करोड़ रुपए की लागत आ सकती है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड हर राज्य क्रिकेट संघ को 80 से 90 करोड़ रुपए स्टेडियम के निर्माण पर सब्सिडी देता है। ये यूपीसीए को भी इसके लिए सब्सिडी देगा। कोरोना वायरस महामारी के दौरान लॉकडाउन के चलते कई लोगों को वर्क फ्रॉम होम करने पर मजबूर होना पड़ा। घर से काम करने के लिए फायदे और नुकसान है, लेकिन भारत में कोरोना संकट कम होने के बाद भी कई कंपनियों में अभी भी वर्क फ्रॉम होम जारी है। दुनिया भर की कई कंपनियां भी अब ऑफिस कल्चर को वर्क फ्रॉम होम कल्चर में शिफ्ट करने पर विचार कर रही है। ऐसे में भारत में भी इसको लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और वर्क फ्रॉम होम को लेकर काम के घंटे और छुट्टी पर बहस शुरू हो गई है। मंगलवार को जब से रुपए ने डॉलर के मुकाबले 80 का ऐतिहासिक न्यूनतम स्तर छुआ है, तब से मानो बवाल थमता नजर नहीं आ रहा है। विपक्षी पार्टी जहां रुपए में गिरावट पर सरकार को कोस रही है, वहीं अर्थशास्त्री रुपए के और भी निचले स्तर पर जाने के अनुमान लगाने पर जुट गए हैं। विदेशी मुद्रा विनियमन बाजार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया सोमवार को कारोबार के दौरान पहली बार 80 के स्तर को पार कर गया था। भारतीय क्रिकेट टीम के अनुभवी बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने काउंटी क्रिकेट में अपना धमाल जारी रखा है। भारत की टेस्ट टीम से बाहर होने के बाद इंग्लैंड में उन्होंने एक के बाद एक दमदार पारी खेली, जिसमें 2 दोहरे शतक शामिल थे। इस प्रदर्शन के बाद उनको टीम में वापसी करने का मौका मिला है और अब इंग्लैंड की काउंटी टीम की कप्तानी मिली है। सक्सेस की तरफ से काउंटी डिविजन 2 के मुकाबले में वो कप्तान के तौर पर मंगलवार को खेलने उतरे। पहले दिन के खेल में उनकी टीम ने 4 विकेट पर 328 रन बनाए। पुजारा 115 रन और ओलिवर कार्टर 5 रन बनाकर खेल रहे थे। एशिया के सबसे दौलतमंद लोगों में शुमार गौतम अडानी के लिए महंगी से महंगी चीज खरीदना चंद मिनटों का काम है, ये बात उन्होंने एक बार फिर से साबित कर दी है। अडानी ग्रुप ने इसराइल के दूसरे सबसे बड़े बंदरगाह हाइफा पोर्ट का अधिग्रहण कर लिया है। इस अधिग्रहण की कहानी की अब इसराइल में लेकर भारत तक चर्चा हो रही है। मशहूर धाविका पीटी उषा आज राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ लेती देखी गई। संसद के मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन रहा, एक बार फिर से संसद में हंगामे के आसार बने हुए थे। उच्च सदन में मंगलवार को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा पेश किए गए हथियार और उनकी विवरण प्रणाली गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध अधिनियम 2005 में संशोधन के लिए विधेयक पर चर्चा होने पर पारित किए जाने वाले की मशहूर धाविका पीटी उषा ने आज राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ले लिया है। हर इंसान अपने बुढ़ापे में आरामदायक जिंदगी जीना चाहता है, ऐसी लाइफ जिसमें पैसे की कोई टेंशन ना हो। अगर आप भी यही सपना देख रहे हैं तो अटल पेंशन योजना आपके काम आ सकती है। रिटायरमेंट के बाद एक सिक्योर लाइफ की चाहत रखने वाले लोग इस स्कीम में पैसा लगाकर हर 5,000 रुपए पेंशन पा सकते हैं।
टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली को इन दिनों एक महीने का लंबा ब्रेक मिल गया है। ये वजह है कि वो अब अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा और बेटी वामिका के साथ फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंच गए हैं, जिसका लेकर के सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो रही हैं। अगर आपने सहारा इंडिया में निवेश किया हुआ है तो आपके लिए ये खबर खास है। सहारा में इन्वेस्टमेंट करने वाले अधिकतर लोगों का पैसा अभी तक नहीं मिला है। सहारा ने पिछले दिनों अपनी स्थिति साफ करते हुए कहा कि उनके निवेशकों का पैसा सेबी के पास जमा कर दिया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट अग्निपथ योजना को लेकर दायर याचिकाओं पर अब 25 अगस्त को सुनवाई करेगा। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के 19 जुलाई के आदेश के मद्देनजर बुधवार को सुनवाई को टाल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 19 जुलाई को अपने पास और दूसरे हाईकोर्ट में लंबित केस दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। अब सभी मामलों पर एक साथ सुनवाई होगी। इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने मैचों के बढ़ते दबाव की वजह से वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। बेन स्टोक्स के इस फैसले के बाद टी20 क्रिकेट के बढ़ते प्रभाव को लेकर बहस छिड़ गई है। टीम इंडिया के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने द्विपक्षीय टी20 सीरीज कम करने की मांग की है। शास्त्री का मानना है कि टी20 मैचों की फ्रेंचाइजीज क्रिकेट तक ही सीमित रखी जानी चाहिए। पॉपुलर डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा पिछले 5 सालों से टीवी से दूर है। हालांकि इतने सालों के बाद ये शो एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो माधुरी दीक्षित, करण जौहर और नोरा फतेही इस शो में जज के रूप में नजर आने वाले हैं। इस बीच अब रिपोर्ट्स में ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ क्रिकेटर्स भी इस बार शो का हिस्सा हो सकते हैं। बिहार भाजपा के कई नेताओं को आतंकी निशाना बनाया जा सकता है, ये खुलासा खुफिया विभाग की रिपोर्ट में हुआ है। आईबी अलर्ट और केंद्रीय गृह मंत्रालय की सूचना के मुताबिक केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, अश्विनी चौबे सहित हरिभूषण ठाकुर बचौर, संजीव चौरसिया, संजय सिंह और पवन जायसवाल जैसे फायर ब्रांड भाजपा नेता आतंकी संगठनों की हिटलिस्ट में है। सूचना के बाद ही गृह विभाग, पुलिस मुख्यालय समेत सभी विभाग को अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय जल्द ही एक नया कोर्स लॉन्च करने की तैयारी में है। ये कोर्स पेटेंट नियमों पर होगा और सब कुछ योजना के मुताबिक चलो तो जल्द ही ये शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्स के रूप में इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। इस कोर्स के तहत पेटेंट नियमों के विस्तार से जानकारी दी जाएगी। इसमें देश भर के स्कॉलर, स्टूडेंट्स और टीचर्स एडमिशन ले सकते हैं। इस कोर्स का सिलेबस तैयार करने की तैयारी चल रही है। केंद्र की मोदी सरकार ने दावा किया है कि देश में प्याज टमाटर की कीमतों में जून के मुकाबले काफी गिरावट दर्ज की गई है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो सरकार के हस्तक्षेप के बाद घरेलू खुदरा बाजार में प्याज टमाटर की कीमतों में गिरावट आई है। वहीं उपभोक्ता मामले के मंत्रालय की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि मानसून में बारिश की वजह से थोक मंडियों में प्याज टमाटर की आवक में सुधार हुआ है। अगले महीने ट्रैक पर तीसरी वंदे भारत ट्रेन आ जाएगी। इसे मिलाकर के 3 ट्रेन हो जाएगी। इसके बाद करीब हर महीने वंदे भारत ट्रेन पर ट्रैक पर आने लगेगी। अगले एक साल में 75 ट्रेन ट्रैक पर होगी। दरअसल प्रधानमंत्री ने पिछले साल 15 अगस्त को 75 वंदे भारत ट्रेन चलाने की घोषणा की। इसके तहत 15 अगस्त से पहले इन 75 ट्रेनों की ट्रैक पर उतरने की शुरुआत हो रही है। साउथ अफ्रीका में अगले साल 2023 से मिनी आईपीएल होने जा रहा है। इस आगामी नई टी20 लीग के पहले सीजन का आयोजन अगले साल जनवरी में होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन प्रीमियर लीग के फ्रेंचाइजीज ने क्रिकेट साउथ अफ्रीका की नई टी20 लीग में सभी 6 टीमों को खरीद लिया है। दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक पटना का अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा है। पटना हजारों साल तक कई महान सम्राटों की राजधानी रहा। गंगा नदी के किनारे बसा यह शहर कई ऐतिहासिक स्मारकों, धरोहर और विरासत स्थलों का स्थल बना रहा है। पटना के गांधी मैदान के पश्चिम में एक ऐसी ही ऐतिहासिक धरोहर गोलघर है। गोलघर को बिहार की पहचान कहा जाता है। आज 20 जुलाई 2022 को इस ऐतिहासिक धरोहर ने अपना 236वां साल पूरा कर लिया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10वीं के रिजल्ट को लेकर ये लेटेस्ट अपडेट आई है। सूत्र बता रहे हैं कि बोर्ड रिजल्ट गुरुवार को जारी कर सकता है, इसकी संभावना अधिक है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रिजल्ट बुधवार की शाम से 23 जुलाई के बीच कभी भी आ सकता है। बताया जा रहा है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान रिजल्ट जारी करेंगे। हालांकि इस संबंध में आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। परीक्षार्थी रिजल्ट सीबीएसई की वेबसाइट cbse.gov.in, cbserizults.nic.in और parikshasangam.cbse.gov.in पर देख सकते हैं। नेपाली नगर में मकानों को तोड़े जाने को लेकर दायर रिट याचिका पर पटना हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। इस दौरान न्यायाधीश संदीप कुमार की एकलपीठ ने कहा कि मकान तोड़ने की प्रशासन की कार्रवाई पर लगाई गई रोक इस मामले के निष्पादन तक जारी रहेगी। इधर कोर्ट को बिजली कंपनी की तरफ से बताया गया है कि नेपाली नगर में जो बिजली आपूर्ति बंद थी उसे कोर्ट के आदेश के बाद चालू कर दिया गया है। इस मामले पर गुरुवार को भी सुनवाई की जाएगी। कोर्ट इस मामले में गुरुवार को आगे की सुनवाई करेगा। बिहार में आतंकी गतिविधियां तेजी से बढ़ रही है। वहीं अपनी रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के कई भाजपा नेता आतंकियों के निशाने पर है, जिसके लिए हर जिलों को अलर्ट कर दिया गया है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बड़ा बयान दिया है।
बिहार की राजधानी पटना में फुलवारी शरीफ से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के संदिग्ध आतंकी मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है, क्योंकि अब इसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय भी करेगी। सूत्रों ने बताया है कि प्रवर्तन निदेशालय ने बिहार पुलिस की एफआईआर के आधार पर मामले को गंभीरता से लिया है और बड़ी फंडिंग को देखते हुए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। ईडी संदिग्ध आतंकियों के द्वारा किए गए पैसों के लेन देन की जांच करेगी और उनसे पूछताछ भी करेगी। ईडी के अनुसार इन आतंकियों का नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन में भी हाथ था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया उनके नाम है सिद्धार्थ कुमार, नुन्नू कुमार, पुरुषोत्तम कुमार, खुश कुमार यादव, आकाश पटेल, राकेश सौंथियाल, राजकुमार प्रसाद, बसुकी पंजियाला, चंदन गेमिंग, पंकज कुमार, प्रदीप कुमार, दीपक कुमार, चंदन भूषण सहाय। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार देश भर में सबसे बेहतरीन नेता अब तक के कौन से रहे हैं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।